क्योंकि आपको पता है इस शॉप में जो है वो शूटिंग होते रहती है। अभी तो फिलहाल कितना टाइम हो गया सर शूट हुए? लॉकडाउन से नहीं, लॉकडाउन से फिलहाल अभी नहीं हुआ, तो हो सकता है वापस से जल्द ही चालू होने वाला है, क्योंकि उनके पास भी काफी सारी स्टोरीज रहेंगे। हाँ। दुकान के बगैर मजा नहीं है। वो आपने देखा कि जिस तरह से दुकान में शूटिंग होती है, तो आने वाले वक्त में बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज आने वाली है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर आप भी तारक मेहता यानी गडा इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हो, तो वो सपना मैं आपका साकार कर सकता हूं। वो कैसे? इस वीडियो को आप पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो सबसे ज़्यादा शेयर करेगा, मैं उसे अपने साथ लेके चलूँगा तारक मेहता के सेट पर, यानी जो अभी हम जहाँ पर गए थे गडा इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे। एटलीस्ट पहले मैं आपको गडा इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे लेके अपनी तरफ से जा सकता हूँ, उसी एक शख्स को जो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि पुराना फिल्म सिटी वाला व्लॉग अगर आपने मेरा देखा होगा, तो बहुत सारे लोग जो है मुझे पूछ रहे थे कि सर आप गडा इलेक्ट्रॉनिक्स यानी तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जहां पर गडा इलेक्ट्रॉनिक्स की शूटिंग होती है, वहां पर आप जाइए और वहां पर एक वीडियो हमें बनाकर दिखाइए। तो आप सबकी डिमांड पर मैं मजबूर हो चुका हूँ। वैसे तो मेरा कुछ प्लान नहीं था वहां पर जाने का, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो ज़रूर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम तो है आपको एक अच्छा सा व्लॉग दिखाना, आपको एंटरटेन करना। तो ज़्यादा कुछ और ना बोलते हुए, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज़रूर 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 लाइक और शेयर करना, ताकि ये वीडियो जो है और लोगों तक पहुंचे और एक एंटरटेनमेंट आप उन तक भी पहुंचा सको। तो चलिए, ज़्यादा कुछ और ना बोलते हुए करता हूं वीडियो की शुरुआत। सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये जो गडा इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो मुंबई फिल्म सिटी में नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पुराने व्लॉग में भी बताया था फिल्म सिटी वाले में। इसकी शूटिंग करने के लिए इन्हें आना पड़ता है गडा इलेक्ट्रॉनिक्स के इस खार वेस्ट इलाके में। यहाँ पर ये छोटी सी शॉप है जो कि रियल में है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ और इस पूरी शोरूम का मैं आपको टूर भी देने वाला हूँ, यहाँ के ओनर से भी आपको मिलाने वाला हूँ, और ढेर सारी इंटरेस्टिंग बात भी मैंने यहाँ के ओनर से बात की है। तो आप भी आ सकते हो यहाँ पर गडा इलेक्ट्रॉनिक्स में। वो कैसे, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं हूं कन्हैया बरे और आपका बहुत ही स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो जैसे कि लास्ट फिल्म सिटी ब्लॉग में आपने मुझे पूछा था कि सर के पास जाइए गडा इलेक्ट्रॉनिक्स में और उनसे कुछ बातचीत करके आइए, तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि मैं गडा इलेक्ट्रॉनिक्स में आने के लिए एक साल पहले भी आ सकता था, बट मैं जानता हूं कि सर के पास बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं और कहीं ना कहीं सर अपनी शॉप को संभालते संभालते उन्हें भी संभालते हैं, सबको संभालना, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं गडा इलेक्ट्रॉनिक्स में आने की, तो सर जो है मैं खास कर इनसे ही मिलने आया हूं। सर मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग आपको आते हैं ना मिलने के लिए, सुबह से आके गए, चार पांच दिन तो आके गए, तो जैसे कि मैं देखता हूँ आप आए तो जैसे कि मैं देखता हूँ कि सर के पास इतने सारे लोग आते हैं, सर अपनी दुकान भी संभालते हैं, तो मैं खुद भी सोचा था मैं जाऊं, सर को हो सकता है डिस्टर्बेंस फील हो या क्या, अजीब सा लगता है पहुंचने यहाँ पर आने के लिए। डिस्टर्बेंस की बात नहीं, जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट किया थोड़ा रुकिए, क्योंकि मुझे आप भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर है ये, सर का प्यार है। इनका बिहेवियर देख के मुझे यहाँ तक आना पड़ा, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे वीडियोस में सर सबसे इतना प्यार से बात करते, इतना हंस खेल के बात करते, पता नहीं चलता है। मतलब मैंने बहुत सारी ऐसी जगह देखी है जहाँ पर लोग शूट वगैरह करने आते ना, तो लोग परेशान हो जाते हैं, यार रुको यार अभी मत आओ, बाद में आओ, कल आओ, परसों आओ, लेकिन इतने सारे वीडियोज मैंने देखे सर के कि बहुत सारे लोग आते हैं, सर सबको वेलकम करते हैं। तो सर मैं आपको खास करके आपसे मिलने आया हूँ और सर के लिए एक छोटा सा गाना मैं गाने आया हूँ यहाँ पर एज अ सिंगर। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि सर के पास जाके आइए, तो कहते ना सर एक गाना मैं आपके लिए गाना चाहूंगा कि मिल गई खुशियां तमाम आपसे मिलने के बाद, तो ये गाना सर के लिए कि सर जब से आपसे मिले हैं, आपकी वीडियोज देखे, यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं, इतना मतलब लोगों का यहाँ पर आना जाना होता है, लेकिन आप परेशान नहीं होते, आपके चेहरे पे जो स्माइल अभी भी मैं चेहरे के सर के चेहरे पे स्माइल जो देख रहा हूँ, यही चीज गॉड गिफ्ट है। जी जी ना, भगवान ने मुझे चुना है माता जी खुश करने के लिए, माता जी कृपा करे सर हमेशा ऐसे हंसते रहे। तो एक सर के लिए छोटा सा एक सॉन्ग है मैं गाना चाहूंगा, ये आपके लिए, सीरियसली आपके लिए है, एकदम दिल से बता रहा हूँ मैं, गाना कुछ इस तरह से। मिल गई खुशियां तमाम आपसे मिलने के बाद, मिल गई खुशियां तमाम आपसे मिलने के बाद, ढल गई ये गम की शाम, ढल गई ये गम की शाम आपसे मिलने के बाद, मिल गई खुशियां तमाम आपसे मिलने के बाद।
सीरियसली सर, मैं आपको बता रहा हूँ, यू हैव अ वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हमारा तो ढोल फटा हुआ। नहीं नहीं, मैं सीरियसली सिर्फ और सिर्फ सर से मिलने आया हूँ यहाँ पर। बहुत सारे लोग आते हैं, व्लॉग बनाते हैं व्यूज पाने के लिए, लेकिन मैं एक साल से आपका यहाँ पे वीडियो देख रहा हूँ। मैं नजदीक में रहता हूँ यहाँ पे, इनफैक्ट मैंने तारक मेहता के लिए ट्राई भी किया है, पिछला ब्लॉग आपने मेरा देखा होगा, वहां पर भी जाके आया। तो ऐसा कोई खास मकसद नहीं था कि मैं यहाँ पे सर के पास ब्लॉग बनाने हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कसम खा के बोला आपसे मिलने आया। अच्छी बात, ये मुस्कुराहट इनकी, अच्छा लगा कि चलो वही रहा। तो मैं कुछ बताएंगे सर, कैसे यहाँ की शुरुआत? एक बहाना तो मिला इनको मेरे से मिलने का। नहीं नहीं, बहाना तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहाना तो क्या होता है, वही मैं बताया ना अभी, इट्स अ गॉड गिफ्ट। वो आप लोगों को टीवी पे आपको खुश करते हैं, मैं दुकान पे लोगों को खुश करता हूँ, धंधा अपनी जगह पे है। ये जो मैं प्यार मोहब्बत हम लोग बांट रहे हैं, आज के जमाने में जरूरत है, जरूरत है, क्योंकि हर घर में सबको स्ट्रेस, कोरोना की वजह से या एक्स वाई जेड रीजन की वजह से, बट यहाँ पे आते हैं लोग, कहाँ कहाँ से आते हैं, ढेर सारे लोग आते हैं। मैं किसी को मना नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि आई शुड वेलकम एवरीबडी, तो मैं वेलकम करता हूँ। जाते जाते उनको स्माइल है ही है, कस्टमर नहीं है, अच्छा, क्योंकि हमारे ओके ओके फैंस ही है, ओके ओके चेहरे पे दिख रहा है, पीछे भी फैंस आ गए सर के, ले लीजिए कैप्चर के लीजिए, हम लोग शूट कर रहे हैं अपने YouTube चैनल के लिए। सो गाइस, क्या आपको पता है बहुत सारे लोग हैं जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं और सर से मिलते हैं और अपने चैनल का प्रमोशन करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सर का भी एक चैनल है अपना, और अगर आप वहां पर सब्सक्राइब करोगे तो आप कनेक्टेड रहोगे सर से। तो सर अपने चैनल के बारे में कुछ बताइए। मेरा रिसेंटली अभी चालू किया हुआ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफिशियल, अगर आप कुछ मैंने वीडियोज डाले हुए हैं, अगर आपको और कुछ देखना हो तो आप मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ढेर सारे वीडियोज में आप अपलोड करने वाला हूँ, सब पाइपलाइन पे है धीरे धीरे, तो प्लीज़ फॉलो मी प्लीज़, तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं जी। तो सर का चैनल है, आप ज़रूर वहाँ पे जाइए, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें सर के चैनल पर आती रहेंगी, क्योंकि आपको पता है इस शॉप में जो है वो शूटिंग होते रहती है। अभी तो फिलहाल कितना टाइम हो गया सर शूट हुए? लॉकडाउन से नहीं, लॉकडाउन से फिलहाल अभी नहीं हुआ, तो हो सकता है वापस से जल्द ही चालू होने वाला है, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी सारी स्टोरीज रहेंगे, तो उनका भी टीआरपी भी ऊपर करना है। जी जी जी, तो दुकान इज मस्ट। हाँ, दुकान के बगैर मजा नहीं है, वो तो है। तो आपने देखा कि जिस तरह से दुकान में शूटिंग होती है, तो आने वाले वक्त में बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज आने वाली है, तो इस चैनल पर यानी सर के चैनल पर आपको ढेर सारी अच्छी अच्छी अपडेट्स आने वाली है। तो मैं यही बोलूंगा भैया फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तारक मेहता से जुड़ना है तो सर से जुड़ना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि सर जो है वो तारक मेहता से एकदम फैमिली मेंबर की तरह जुड़े हुए हैं। ढेर सारे एक्टिविटीज आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर भी सेम नाम है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफिशियल, तो जाइए वहां पर भी फॉलो कीजिए, सारा प्यार दीजिए, मैं भी आपको प्यार बांटूंगा। ब्लॉग का नाम क्या है? कन्हैया बरे ब्लॉग्स। इस ब्लॉग को आप लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में एक छोटा सा घंटी है प्रेस कर लीजिएगा, जो भी इनके नए वीडियोस हैं आएंगे आपको पहले मिलेगा नोटिफिकेशन। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद। अरे थैंक यू, गॉड ब्लेस। देख लिया आपने, जिस तरह से सर का चैनल है आप जाके सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं ना कहीं मेरे भी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कि कहीं ना कहीं वापस से शूट होगा तो अंकल से मिलने हम वापस से आएंगे, थोड़ा सा अंकल को और परेशान करेंगे और कुछ नया सॉन्ग लेकर आएंगे अंकल के लिए। तारक मेहता के लिए आप जाकर सर के चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो, और उनके साथ में आप जुड़ सकते हो, नए नए अपडेट्स वो कहीं ना कहीं लेकर आते रहेंगे। और मेरे साथ अगर आप जुड़ते हो तो मैं ढेर सारे आपको ऐसी ढेर सारी अलग अलग लोकेशंस आपको दिखाता रहूँगा, आपके साथ एक एंटरटेनिंग व्लॉग्स जो है वो शेयर करता रहूँगा, और किसी एक लकी सब्सक्राइबर को मैं जो हूँ वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में लेके जाऊँगा। वो कैसे? आपको इस वीडियो को करना है लाइक और कर देना है ढेर सारा शेयर, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, जो सबसे ज़्यादा शेयर करेगा कहीं ना कहीं मैं उसे अपने साथ जो है वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बार लेकर जरूर जाऊंगा। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे लुक को थोड़ा सा आप इग्नोर करना, माइक भी मैंने बीच में जो है वो कनेक्ट करना भूल गया था, सर से बातचीत करने में इतनी एक्साइटमेंट थी मुझे कि माइक ही कनेक्ट करना मैं भूल गया, लेकिन सर से मिलकर जो है बहुत अच्छा लगा, बहुत ही डाउन टू अर्थ है वो, बहुत ही प्यार से सबका स्वागत करते हैं। तो ज़्यादा कुछ और ना बोलते हुए अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आएगी तो छोटा सा लाइक जरूर करते आना, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए कंटेंट में, किसी नए स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, टाटा बाय बाय। और हाँ, जाते आते डेली ऑडिशन वाली चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करते आना, क्योंकि वहां पर आपको मिलते रहेंगे फिल्मों से रिलेटेड ढेर सारे अपडेट्स और ढेर सारे अच्छे अच्छे वीडियोज। चलिए, टेक केयर, टाटा बाय बाय।